हाय नमस्कार। सो ये एक वीडियो है आपको बताने के लिए कि कल क्या हुआ, जब एक दिल्ली के स्टूडेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की थी कि बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ नीट एग्ज़ाम दिस ईयर नीट एग्जामेशन मिल जाए फॉर MBBS अब्रॉड के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से बैकग्राउंड दे दूँ कि 2017 तक अगर आप MBBS करने बाहर जा रहे थे या इंडिया में भी फॉर दैट मैटर, नीट वॉज नॉट मैंडेटरी, नीट क्वालिफिकेशन वॉज नॉट मैंडेटरी। नीट रैंक्स वर इम्पॉर्टेंट टू गेट गवर्नमेंट सीट्स, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करें, जो नीट क्वालिफाई शब्द है ये 2018 में ही पहली बार लाया गया है। तो 2017 तक आप अगर 12th में 50% मार्क्स हैं और आपकी एज लिमिट है, सब कुछ है, तो आप MBBS करने के लिए एलिजिबल थे इंडिया या बाहर। ऑफकोर्स इंडिया में आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती थी, बट प्राइवेट सीट तो मिल जाती थी या मैनेजमेंट सीट्स इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो फिर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू MCI और हेल्थ मिनिस्ट्री ब्रॉडर रूल कि भाई इंडिया पढ़ना है या बाहर पढ़ना है, कम से कम नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो नीट क्वालिफिकेशन कि जनरल कैटेगरी के तो आपके मार्क्स टॉप 50% में होने चाहिए, नॉन जनरल के टॉप 60% में होने चाहिए, मतलब 40 के ऊपर होने चाहिए। अब बिकॉज इस साल नीट डिले होता जा रहा है तो इंडिया के एडमिशन्स ऑब्वियसली फिर अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन अब्रॉड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो कि इस समय हो जाते हैं, तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट ने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने फिलहाल वो यू नो रेलिवेंट बॉडी MCI को दे दिया है टू टेक अ डिसीजन इन द नेक्स्ट 3 वीक्स। तो सिर्फ ये हुआ है। तो अगर आप ये सोचें कि नीट एग्जामिशन मिलने वाला है, पर्सनली स्पीकिंग चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये रूल जो है ये बहुत थॉट के साथ लाया गया है। और अगर आप नीट एग्जामिशन अब्रॉड के लिए देंगे तो शायद इंडिया के लिए भी देना पड़ेगा। और जो पिछले 2 साल में बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा रिफॉर्म जो भी आप कहना चाहें हुआ था, इतनी जल्दी सरकार वापस नहीं जाएगी। और स्टूडेंट्स हैव टू प्रूव रियली वेल कि हाँ भाई, जो बाहर की ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ एडमिशन्स की लास्ट डेट ख़त्म हो रही है और इसलिए हमें नीट एग्जामिशन दी जाए। अगर वो स्टूडेंट प्रूव कर पाएंगे तो शायद कोर्ट MCI मान जाए। तो MCI कोर्ट ने MCI को रेफ़र करा तो बहुत बड़ी जीत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बस MCI ने क्वैश नहीं करी तो जीत हो गई, कोर्ट ने क्वैश नहीं करी PIL, तो देखिए तो छोटी सी बात है। कोर्ट के पास एक टेक्निकल मुद्दा गया, तो जिस तरह से रूल हेल्थ मिनिस्ट्री और MCI लाए थे, हटाएंगे भी इसको हेल्थ मिनिस्ट्री और MCI, ना ही कोर्ट्स ने नीट क्वालिफिकेशन रूल लाए थे और ना ही इसको हटाने का जिम्मा भी उनके ऊपर है, उन्होंने इसलिए वो रेलिवेंट बॉडी को फॉरवर्ड कर दिया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस न्यूज़। बहुत खुश मत होइए, मैं तो ये कहूँगा, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि रिजर्वेशन शायद नहीं मिलेगा। तो बच्चों से मेरी अपील है कि नीट की तैयारी करते रहिए, अब तो 1 महीना बचा है, नीट पक्का सितंबर में होगा और उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए और फिर आप अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में भी जा पाएंगे। हाँ, रूल अगर आ जाता है, जो मैंने बोला कि बहुत कम चांस हैं कि आप जा सकते हो, तो फिर शायद दे विल गो बैक टू दी ओल्डन रूल्स कि 12th में 50% PCB में होना चाहिए, रेगुलर स्कूलिंग होनी चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। सो एटलीस्ट आपके नीट फॉर्म की डिटेल्स तो ली ही जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि आप एडमिशन ले लीजिए, यू नो सितंबर में नीट ले लीजिए, आप चले जाइए पढ़ाई करने। अगर आपका नीट फेल हो गया तो शायद आपको वापस, क्योंकि अभी देखिए कोई बच्चा ये तो कह नहीं सकता कि मेरे को अभी के अभी बाहर जाना है। तो ये भी हो सकता है कि मेरी अपनी सोच है कि शायद सरकार ये कर दे कि ठीक है, आपको जल्दी एडमिशन ले लो, जो ले लीजिए, हम फिलहाल आपको जाने आपको अलाउ करते हैं एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना, आप सितंबर का नीट ले लीजिए, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो शायद आपने जो अभी तक करा है वो अटक जाएगा, रुक जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों से मेरी अपील है कि अभी पढ़ाई जारी रखिए और नीट की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।